दोस्तों, इजरायली साइबर सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी चेक पॉइंट के मुताबिक इंडिया के 1.5 करोड़ एंड्रॉयड फोन पर वायरस अटैक हुआ है, तो उसी से रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे तो जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं, जनरली एजुकेशनल न्यूज और जॉब से रिलेटेड अपडेट करता हूं, लेकिन ये जो आप लोगों को पता होगा कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन कैरी करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये अपडेट दे दूं, शायद आप लोगों को लाभ पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज्यादा जो स्मार्टफोन है इंडिया के इस हमले में प्रभावित हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक एजेंट स्मिथ नाम का वायरस है, ठीक है, वो यहाँ पे डिफेक्ट कर रहा है फोन को। और यहाँ पे आप लोगों को बतला दूं, ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उससे ये इंस्टॉल हो जा रहा है फोन में और उसे डिफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजेंट स्मिथ वायरस है क्या और कैसे ये फोन में प्रवेश करके सभी आपकी जो आइडेंटिटी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कलेक्ट कर रहा है, और आपके लिए ये बहुत ही घातक चीज है, ठीक है। और आगे ये भी बात करेंगे कैसे आपको पता लगेगा कि आपके फोन में एजेंट स्मिथ वायरस का यहाँ पे अटैक हो गया है, और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इंडिया टूडे के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हेडलाइंस है इंडिया टुडे का, एजेंट स्मिथ वायरस हाइड्स इन व्हाट्सएप इन्फेस्ट 1.5 करोड़ एंड्रॉइड फोन्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के 1.5 करोड़ स्मार्टफोन को ये एंड्रॉइड फोन को यहाँ पे अपना निशाना बना चुका है, और इसके बारे में सभी डिटेल प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन आपको मैं आसान भाषा में बतलाऊंगा यहाँ पे। और सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी बताया गया है इंडिया टुडे के माध्यम से कि कैसे आपको इससे बचना है, या फिर आपका फोन अगर अफेक्टेड हो गया है इससे तो कैसे आपको इससे बचना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सभी जो जानकारी है हिंदी माध्यम में दिया गया है दैनिक भास्कर के वेबसाइट पर, और यहाँ पे इंडिया टुडे से पहले ही इस पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सभी डिटेल दिया गया है, उसके बाद में जो यहाँ पे सोल्यूशन है उसके बारे में हम इंडिया टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पूरा सोल्यूशन दिया गया है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे आसान भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है ये एजेंट स्मिथ वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ हेडलाइंस है, भारत में 1.5 करोड़ एंड्रॉइड फोन पर वायरस एजेंट स्मिथ का अटैक, और नीचे आइएगा तो यहाँ पे हाइलाइट्स है कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी बोली वायरस ने विकासशील देशों के यूजर्स को निशाना बनाया है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है उसी को यहाँ पे निशाना बनाया गया है, और थर्ड पार्टी ये 9f.com के जरिए स्मार्टफोन में आया वायरस अमेरिका में 3 लाख, इंग्लैंड में 1.3 लाख एंड्रॉइड फोन प्रभावित, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड के जो स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉइड फोन है, वो भी यहाँ पे इससे अफेक्टेड हो गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि भारत समेत कई देशों के 2.5 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स के फोन पर वायरस अटैक होने की बात सामने आई है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी चेक पॉइंट के मुताबिक इस खतरनाक वायरस ने सबसे ज्यादा भारत जैसे विकासशील देशों के एंड्रॉइड यूजर्स को अपना निशाना बनाया है। वायरस के जरिए व्हाट्सएप के साथ दूसरे एप्स हैक हो जाते हैं, इसकी जगह डुप्लीकेट वर्जन इंस्टॉल हो जाता है, बाद में इसकी मदद से हैकर्स यूजर्स के निजी डाटा चोरी कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो वायरस है व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके उसके जगह पर दूसरा डुप्लीकेट वर्जन इंस्टॉल कर देता है आपके मोबाइल में, और वहां से जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर लेता है, चोरी कर लेता है, और इसका आपको मिसयूज भी कर सकता है वो, ठीक है। तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ पे एजेंट स्मिथ नामक मलवेयर के बारे में बताया गया है कि क्या है, ये बताया गया चेक पॉइंट के मुताबिक एजेंट स्मिथ नामक यह मलवेयर डिवाइस को आसानी से एक्सेस करता है, ये यूजर्स के फाइनेंशियल प्रॉफिट वाले विज्ञापन दिखाता है। ये मेलवेयर गुलियन और ह्यूमन बैग्ड और कॉपीकैट से मिलता जुलता है, ये सब मेलवेयर का ही यहाँ पे टाइप है, आप देख सकते हैं। इसी से रिगार्डिंग ये नया मेलवेयर यहाँ पे आया है, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन को यहाँ पे अफेक्ट कर चुका है, और आपको बता दूं कि ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपके पास लुभावने विज्ञापन दिखाता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उसके झांसे में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया कि भारत के 1.5 करोड़ यूजर्स, फोर्ब्स के मुताबिक भारत में करीब 1.5 करोड़ एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इस मेलवेयर का अटैक हुआ है, वहीं अमेरिका में 3 लाख और इंग्लैंड में 1,37,000 एंड्रॉयड स्मार्टफोन इससे प्रभावित है। तो आपको बता दूं कि अलीबाबा ग्रुप का एक ऐप है 9f.com, इसी से यहाँ पे ये वायरस इंटर किया है सभी कंट्री में, और यहीं से ये फोन में आपके अटैक किया है। और आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप बहुत दिनों से मोबाइल चलाते होंगे एंड्रॉयड फोन, तो आपको पता होगा जरूर 9f से, क्योंकि प्ले स्टोर से ज्यादा लोग 9f पे ध्यान देते थे पहले, ठीक है। तो ये 9f अलीबाबा ग्रुप का ही चीन का कंपनी है एक, इसी के जरिए वायरस जो है यहाँ पे फैल रहा है इंडिया और अदर कंट्री में। और यहाँ पे बताया गया क्या है मलवेयर, मलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस की तरह काम करता है, यानी फोन में इंस्टॉल होकर यूजर्स की डाटा को इन्फेक्टेड कर सकता है। यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस की तरह काम करता है, और आपके फोन में इंस्टॉल होकर, चुपके से इंस्टॉल होकर आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कॉन्टैक्ट मैसेज और यहाँ पे जो आपके बैंक डिटेल्स है सभी आपके चुरा लेता है।
यहाँ तक कि जो आपके सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके पासवर्ड और आईडी भी चुरा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये मलवेयर। और इसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन है। तो ये बताया गया है इंडिया टुडे के ऑफिशियल आर्टिकल में, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ डज योर एंड्रॉइड फोन हैव एजेंट स्मिथ और इज योर व्हाट्सएप इन्फेक्टेड। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो एंड्रॉइड फोन से वो एजेंट स्मिथ वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बट इज पॉसिबल दैट योर एंड्रॉइड फोन मे हैव इट। यहाँ पे बोल रहे हैं ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके एंड्रॉइड फोन्स में ये वायरस प्रवेश कर गया हो। इफ यू आर गेटिंग टू मेनी एड्स ऑन योर फोन पार्टिकुलरली स्लीजी और डेवियस एड्स, स्कैन योर फोन विथ अ गुड एंटीवायरस ऐप एट द सेम टाइम, ऑलवेज फॉलो गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस दिस आर। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको फोन में अगर किसी भी प्रकार का लुभावना विज्ञापन या फिर संदिग्ध विज्ञापन आपको देखने को मिल रहा है तो आपको प्ले स्टोर से जाकर एक अच्छा एंटीवायरस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे वायरस को रिमूव करते हैं फोन से। उसे डाउनलोड करके एक बार फोन को स्कैन कर सकते हैं, और वो नहीं है तो आगे यहाँ पे डिटेल बताया गया है कैसे आप इससे बच सकते हैं। बताया डोंट डाउनलोड एप्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक नाइन एप्स। जैसे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कभी भी ऐप डाउनलोड न कीजिए, आप हमेशा गूगल प्ले स्टोर का यूज करिए एप्लीकेशन को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे बता रहा है कि अगर किसी भी आप पेड एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसका लाभ कोई ना कोई जरूर लेता है अगर आप फ्री में जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल करते हैं तो। और यहाँ पे बताया गया इफ़ यू सस्पेक्ट योर फोन इज इन्फेक्टेड विद एजेंट स्मिथ डिलीट डाटा ऑफ पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड फ्लिपकार्ट बाई गोइंग टू द सेटिंग एंड री इंस्टॉल दिस एप और रेदर डू अ फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपको शक है कि आपके फोन में एजेंट स्मिथ वायरस एंटर कर गया है तो आप जो यहाँ पे फेमस एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप और फ्लिपकार्ट, इन सभी का डाटा आप डिलीट कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इन सभी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए फोन से, और उसके बाद में आप इसे फिर दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप डायरेक्ट फोन को रीसेट कर दीजिए अगर आपको शक है कि आपके जो मोबाइल है उसमें जो है मलवेयर इंटर कर गया है एडम स्मिथ नाम का। तो आप यहां से सभी जो डाटा है रीसेट करने के बाद में डिलीट हो जाता है आपके फोन से, फोन जो है नया की तरह आपका हो जाता है, ठीक है। तो आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं फोन को अगर आपको शक हो तो। और यहाँ पे बताया गया है कि आइडियली अवॉइड स्लीजी एप्स और गेमिंग एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर अननोन सोर्सेज से यहाँ पे कोई संदिग्ध एप्लीकेशन या फिर गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आगे बताया गया व्हाइल इंस्टॉलिंग एन ऐप केयरफुली लुक एट द परमिशन इट आस्किंग फॉर। आप कहीं से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले आपसे परमिशन दिखाता है कि क्या क्या आपके मोबाइल से ये परमिशन ले रहा है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा कुछ परमिशन मांगता है तो आप उसे इंस्टॉल न कीजिएगा फोन में। ये सब सलाह यहाँ पे दिया गया है आपको इससे बचने के लिए, ठीक है। बस यहीं आपको अपडेट देना था, ऐसे तो अपडेट नहीं बोले, ठीक है। बस यहीं आपको अपडेट देना था, ऐसे तो अपडेट नहीं बोलेंगे, लेकिन एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड अपडेट अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।